लाख लोग जो अपने घरों से निकाल दिए गए थे उनके बारे में जो बोल रहे थे उनको कि ये तो हो नहीं सकता, ये प्रोपोगंडा फिल्म है या इस फिल्म को यूट्यूब पे वगैरह देखना चाहिए, पहली बात तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आपसे बड़ा पाखंडी मैंने दुनिया में नहीं देखा है और आप उस ट्रेजडी पर काम करते हैं। ये बहुत सारे लोग भी मैं देखता हूँ सोशल मीडिया बोलते हैं अनुपम खेर अब कहाँ हैं शुपियन के, अरे हमने कश्मीर फाइल्स बनाई तो आपके दिल में दर्द जगा और आपके पास वो व्यंग बातें आईं कि ये सब हो रहा है। ये बिल्कुल शर्मनाक बात है कि अभी भी कश्मीरी पंडितों के साथ वही अत्याचार हो रहा है। मतलब कश्मीरी पंडित क्या, वहाँ पर तो अपने ही लोगों को मार रहे हैं, जो भी हिंदुस्तान के साथ खड़ा है उसको वो मार रहे हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों का तो पिछले 30 साल से ऐसा हो रहा है और इसकी जितनी भी ज़्यादा निंदा की जाए कम है। देखिए जिस टेररिस्ट ने आपको मारना है कितने लोगों को आदमी वो देगा, संरक्षण दे सकता है। ये मनस्थिति जो है वो चेंज करनी पड़ेगी, इसमें ये मनस्थिति यहाँ के हमारे कुछ खास किस्म के बुद्धिजीवियों को भी चेंज करनी पड़ेगी। मैं बहुत अवॉइड करता हूँ लोगों को जो मुझे मैसेजेस पे लिखते हैं अरे यहाँ ये हो गया कश्मीरी पंडितों के साथ, अनुपम खेर ने तो पैसे बना लिए या पिक्चर बना ली। हमने वो पिक्चर बनाई है तो आपका दर्द जागा है, वरना 30 साल तो वो सारे लोग थे नहीं। किसी ने कश्मीरी पंडितों के साथ कंधे पर कंधा रख के किसी ने दुख नहीं बहाया। अब ये सिर्फ क्रिटिसाइज करके हमको सोचते हैं कि इनका खुद का काम हो गया है। क्रिटिसिज्म इज नथिंग टू डू विद रियलिटी, क्रिटिसिज्म इज नथिंग टू डू विद दैट दे आर एक्चुअली डूइंग समथिंग। सो इट्स अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड आई फील बैड फॉर इट। मेरा दिल दहलता है उन लोगों के परिवारों के लिए, उन बेचारे इनोसेंट लोगों के लिए जिनका कोई कसूर नहीं है, जो अभी भी वहाँ पर 1% आधा प्रतिशत लोग जो कश्मीरी पंडित वहाँ रह रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं कि शायद अपनी जीवनी गुजार सके, जो शायद कैंप्स में नहीं रहना चाहते थे, जो जिनको लगता है कि शायद टेररिस्ट का दिल बदल जाएगा, पर उनका दिल नहीं बदलने वाला। और इस बात का दुख है और उससे ज़्यादा मुझे इस बात का ज़्यादा दुख है कि वो तमाम लोग जो मुझको या विवेक अग्निहोत्री को टारगेट करते हैं उनको थैंक यू करना चाहिए हमको कि हमने ये फिल्म बनाई तो उनको कश्मीरी पंडितों की कश्मीरी हिंदुओं की त्रासदी नज़र आई, वो उसको भी इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं।